कैसे हैं आप लोग। तो गाइस माना कि वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही है यार, 12 के एग्जाम चल रहे हैं, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज आप लोगों को बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको पसंद भी आता है हर बार, ठीक है। आज हम 5-in-1 एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये आपके मोबाइल चार्ज कर देगा, साथ ही आपके इमरजेंसी लाइट का काम भी कर देगा, फैन का काम भी कर देगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे बना सकते हो घर पे इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो ज्यादा लंबी तो होती नहीं है, इसलिए शुरू से लास्ट तक आराम से देख सकते हो। और आगे की वीडियोस देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगा। ऊपर देख रहे हो ना, 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों करने में क्या जा रहा है, ठीक है। जब इतने लोगों ने समझदारी दिखा दी है, तो थोड़ी सी समझदारी आप भी दिखा के सब्सक्राइब का बटन दबाकर और घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर दो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ लिथियम एन सेल है, ठीक है। मैं इतने सारे का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक दो या फिर मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर सकते हैं, अगर कस ये नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम एक फैन का यूज कर रहे हैं, ये इतने सारे स्विचेज है इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे फीचर्स होने वाले इस प्रोजेक्ट में, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं, और साथ ही एक मोटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेन चीज है, ये हमारा एक पावर बैंक मॉड्यूल है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस मॉड्यूल है, थोड़ा सा ही कॉस्टली है। आप चाहो तो दूसरे नॉर्मल पावर बैंक मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉब लाइट यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे आप कोई भी व्हाइट लाइट का यूज कर सकते हो। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं, बाकी जो भी चीजें लगेंगी वो आपको पता चल जाएगा। मटेरियल के रूप में हम पीवीसी शीट का यूज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हम सेल्स को फिट करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम सबको पहले पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, और ये 5 सेल का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 नीचे रहेंगे और सारे आपस में जुड़े रहेंगे, एक सेल जो है डिस्कनेक्ट रहेगा, और वो किस तरह से काम करेगा आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इनको सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैटरी पैक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी को अलग रखा है, क्योंकि इन सारी सारी बैटरी से अगर मैं मिला दूंगा तो हम इससे अगर इमरजेंसी लाइट चलाना चाहेंगे, लाइट कोई भी लाइट, जैसे हमने कॉब लाइट चुनी थी, ठीक है, तो वो जो इससे फ्यूज हो जाएगी तुरंत के तुरंत, क्योंकि हर बैटरी के एम्पियर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और 7-8 एम्पियर वो झेल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम उन एम्पियर्स को कम करने के लिए उसे सिंगल बैटरी छोड़ दिया उसके लिए, ठीक है। और इसके यहाँ पे हमने ना इस तरह से 2 वायर निकाल दिए, जब हमें चार्जिंग पे लगाना होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे स्विच के थ्रू, और ये बैटरी भी साथ में चार्ज हो जाया करेगी, और जब लाइट जलानी होगी तो स्विच को बंद कर देंगे, जिससे कि एक बैटरी सिंगल ही लाइट से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर इसको पैक करते हैं, साथ ही ये जो हमारा पावर बैंक मॉड्यूल है इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि ये लाइट से कनेक्शन मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये जो दोनों वायर है ना, जैसे कि ये तो रेड वायर है, यहाँ पे डायरेक्ट जो 4 सेल सीरीज में जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना, उनकी वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इनको लगाऊंगा तो ये लाइट बहुत तेज तो जलेगी इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस तरह से आपको लगाकर दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये बहुत तेज से जलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि ये लाइट फ्यूज हो जाएगी और हमारा पीवीसी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सिंगल सेल की वायर रखी है, ये जो वायर है ये सिर्फ 1 सेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड मैं इसको ऐसे करूंगा
तो ये जलेगी लेकिन ज्यादा हीट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल से इस वक्त चल रही है, तो इसलिए मैंने ये किया है। और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं ना, इसमें और इसमें स्विच कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें भी स्विच कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो जो सिंगल सेल है वो पांचों सेल के साथ जुड़ जाएगा, और जब चार्ज होगा तो पांचों सेल चार्ज हो जाएंगे, और जब स्विच बंद कर देंगे तो सिंगल सेल सिंगल हो जाएगा फिर से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे ये लाइट जल जाएगी, तो आपको समझ आ गया होगा। और अब चलो जल्दी से इसको पीछे से कवर करते हैं, ठीक है, और जो बाकी के फीचर्स इसमें डालने हैं वो डालते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने ये सिस्टम कर लिया। यहाँ पे देखो ये जो एक स्विच की तरह काम करेगा, जैसे हम इसको करेंगे मोटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोटर बाहर आएगा हम अपना आराम से मोटर में फैन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड कनेक्शन के रूप में अभी स्विच वगैरह लगाने बाकी रह गए, तो देख सकते हो आराम से बहुत ही तेज हवा है इसकी, ठीक है। तो चलो अभी तो इसको रिमूव कर लेते हैं और अब हम इसको यहाँ से अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दबाते ही बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये इसका एक फीचर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से अब इसको ढकना शुरू करते हैं, ठीक है, और जो भी स्विच वगैरह लगाने हैं वो लगाना शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे स्विचेस लग चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे तीन स्विच लगाए हैं, किस किस काम के लिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चिपका कर पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे देख सकते हो कुछ इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आपको बिल्कुल अलग ही टाइप की चीज लग रही होगी है, और बिल्कुल अलग डिजाइन है अभी तक में। यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पावर बैंक का काम करने वाला है। अभी आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्विच जैसा है, इसको दबाते यहाँ से हमारे शाफ्ट बाहर आती है जिसमें हम फैन लगा के हवा खा सकते हैं, ठीक है। नीचे तीन स्विच है, तीनों स्विच का क्या क्या काम है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं डबल, वो भी डबल यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूल मैंने लगा दिया है इस पर, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई भी दूसरा मॉड्यूल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है। एंड ये मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चार्ज भी करता है, और इसकी कैपेसिटी तो आपने देख ली, नीचे चार चार लिथियम आयन सेल लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही पांचवे को अगर आप अटैच करना चाहते हो, पांचवा जो सेल मैंने लगाया था अलग से लाइट के लिए ना, उसको अगर अटैच करना है तो साथ में बस इस बटन को दबा दो, वो पांचवा सेल भी यहाँ पे अटैच हो चुका है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो स्विच है ये हमारा मोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप मोटर चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्विच है ये लाइट के लिए है, ठीक है। काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है। यही प्रॉब्लम भी है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना, आप ये वाली लाइट मत लगाओ, क्योंकि ये वाली लाइट जो है ना आपको बड़ी सी हीट सिंक पीछे लगानी पड़ेगी, और उतनी बड़ी हीट सिंक लगा नहीं पाओगे, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है वैसे तो ये लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला स्विच तो आपको पता चल गया है, ये एक सिंगल बैटरी के लिए है, जो कि जो एक बैटरी उनको पांचों चारों बैटरी से जोड़ देता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको चार्ज में लगाएंगे, जैसे कि हमने इसको चार्ज में लगाया, ठीक है, ये पूरे के पूरे लाइट को, तो ये यहाँ पे देख सकते हो चार्ज होना शुरू हो गया। ये पावर बैंक मॉड्यूल के थ्रू ही चार्ज होगा, और यहाँ पे आपको ये भी पता चलता रहेगा लाइट कितने परसेंट चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब आप जो सिंगल सेल था, ठीक है, जो लाइट के लिए लगा हुआ है, ये वाला स्विच जैसे दबाओगे वो सेल भी इनके साथ जुड़ गया, ठीक है, इन चारों सेल के साथ अब वो भी साथ में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे चार्ज हो गया, जैसे आपको लाइट जलानी है तो इसको पहले बंद कर लेना, नहीं तो पांचों सेल आपस में जुड़े रहेंगे तो लाइट बहुत ज्यादा मतलब लोड पड़ जाएगा लाइट पे, ठीक है। तो आपको इस तरह से करके जला लेना है, ठीक है, और आपको बताई दिया। तो ये सबसे यूनिक तरीका है, और ये तीन बटन आपको पता चल गए। और चलो आपको यहाँ पे फैन चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसको इस तरह से दबाना है एंड यहाँ पे फैन लगा लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब मैं फैन को, अरे भाई साहब, तो यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी हवा है इसकी, ठीक है, ये तो आप देख ही रहे, इसकी हवा बहुत ज्यादा अच्छी है,
एंड काफी ज्यादा तेज भी चल रहा है एंड बैकअप तो बहुत ज्यादा कमाल का देने वाला है, क्योंकि इसमें हमने चार चार लिथियमाइन सेल इसके लिए लगा दिए हैं, इसको लगाने पे और एक सेल अटैच हो जाता है, ठीक है, जिससे आप सिंपली इसके जो जैसे होता है मोबाइल में स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको इस तरह से दबाते ही इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, तो ये इसलिए स्विच दिया हुआ है, ठीक है। एंड इस तरह से आप बहुत तेज यहाँ पे हवा आती है इसकी, तो बहुत आराम से हवा खा सकते हो, काफी ज्यादा तेज हवा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, उसके बाद लाइट की ब्राइटनेस भी मैं आपको स्टूडियो की लाइट्स बंद करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड मोबाइल चार्जिंग तो मैंने आपको करके दिखाई दी है, यहाँ पे जैसे तो स्टूडियो की लाइट्स जल रही है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं लाइट बंद कर दी, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लाइट जलाता हूँ तो देख सकते हो काफी ज्यादा ब्राइट लाइट है, ठीक है। एंड मैं जैसे अगर इसको बंद कर दूंगा तो देखना स्टूडियो में क्या पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गई बंद और ये चालू, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा तेज लाइट है, आप इसको देख भी नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस लाइट को लगाना ही मत, क्योंकि ये इतना ज्यादा तेज है ना कि आपकी आंखों को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इमरजेंसी लाइट के लिए इतना ज्यादा ब्राइट लाइट यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कर दिया ताकि आपको इसकी पावर दिखा सको, क्योंकि इतनी पावर है इसमें, एंड इसमें सही में हद से ज्यादा पावर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था, आप स्टूडियो की लाइट्स कर लेते हैं ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आप इसका फैन निकाल सकते हो, ठीक है, एंड इसको हम अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, ऐसे करोगे ये बाहर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का है। एंड ये आराम से रख भी सकते हो इसको कहीं भी, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है। दूसरी बात, बस ये फैन की प्रॉब्लम है, आप इसको फैन को भी इसके अंदर डाल सकते थे, ठीक है, जगह थी इसके अंदर लेकिन मैंने फैन नहीं लगाया, आप फैन अंदर रखने की जगह बना सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक तो आप इसमें लाइट है, दूसरी यहाँ पे पावर बैंक भी है, और तीसरा यहाँ पे ये भी है, ठीक है, देख सकते हो जो अपना मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फीचर तो ऐसे हो गए। दूसरी बात, आप यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज है उसको एक्सपांड कर सकते हो इस तरह से, इस स्विच को दबा के। और जो पांचवा है, ठीक है, वो यहाँ पे यूएसबी लगाओगे तो आप इससे पावर पे बाहर निकाल सकते हो, जैसे आपको कोई भी चीज़ चलानी है तो उसके लिए पावर निकालना चाहते हैं तो यूएसबी के थ्रू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे पांच फीचर्स इसमें आ जाते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, बहुत ज्यादा काम की चीज है, आप इसको बना सकते हो अलग अलग डिजाइन के साथ बना सकते हो, मुझे जो कम्फर्टेबल लगा मैं वो बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज मुझे फिट करनी थी तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया है, ठीक है, आपको जैसा लगे आप वैसा बना सकते हो और ये सारी चीजें यहाँ पे फिट भी कर सकते हो। तो किस तरह का लगा कमेंट करके बताना, छोटा दिखने में लेकिन बहुत ज्यादा ढासू चीज है, बहुत ज्यादा टाइम तक भी चलेगा, एंड आपको यहाँ पे स्टोरेज की तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी 5000 mAh की बैटरी होती है उसको आराम से 80% तक ये चार्ज कर देता है। एंड ये नॉर्मल मतलब पावर बैंक की तरह नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह आपको सब मिल जाता है। तो ये स्मार्ट लाइट आपको इसलिए कमेंट करके बताना, आज की वीडियो में इतना ही, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में मिलते हैं, वैसे एग्जाम्स वगैरह है लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस दे दूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स हो चाहे जो भी वीडियोस तो नहीं रुकने वाली, हल्का सा लेट हो सकती है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिल सके।